नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। उन्नाव जनपद के शुक्लागंज में बस धना हाजीपुर मार्ग पर एयरफोर्स कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव बीच मार्ग पर ही छोड़कर आरोपी भाग निकले। राहगीरों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर सीओसीटी पहुंचे, जहां मौका मुआयना कर उन्होंने गंगाघाट कोतवाल को जांच कर हत्या आरोपित को जल्द से जल्द हिरासत में लेने के निर्देश दिए हैं। मृतक के बड़े भाई ने कोतवाली में जाकर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस हत्या आरोपित को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। आपको बता दें कि उन्नाव जनपद के कोतवाली गंगाघाट क्षेत्र के प्रेम नगर का रहने वाला प्रतीक सिंह 27 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय ओम नारायण सिंह वायुसेना में एयरमैन के पद पर जम्मू में पोस्ट था। वह छुट्टी पर घर आया था। उसका अचलगंज के रहने वाले किसी विनय सोनी से पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था। देर रात उसके फोन पर विनय का कॉल आया और उसे बहाने से बुलाया, जिस पर वह देर रात ही घर से निकल लिया। सुबह तक वापस नहीं आया तो उसके परिजनों को चिंता हुई, उन्होंने उसे खोजना शुरू किया। उधर बसधना मार्ग पर ग्रामीणों की निशानदेही पर उसका शव पुलिस ने बरामद किया। मृतक प्रतीक की दाहिनी आंख पर गोली लगी है और उसका चेहरा बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। मृतक के बड़े भाई प्रभात सिंह ने गंगाघाट पुलिस को हत्या करने की नामजद तहरीर दी है, जिसमें विनय सोनी को आरोपित बनाते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। कुछ साल पहले ही उसकी शादी हुई थी, 1.5 वर्ष का उसका एक बेटा भी है। हत्या की खबर सुनते ही उसके घर में कोहरा मच गया। उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पत्नी बदहवास होकर गिर गई। वहीं एयरफोर्स कर्मी की हत्या से क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पर सीओसीटी कृपा शंकर ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और जल्द से जल्द घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्नाव से वसीम अहमद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? प्रभात सिंह। प्रभात जी, कैसे घटना हुई, क्या जानकारी अभी तक? ये मेरा छोटा भाई था जो जम्मू में एयरफोर्स में पोस्टेड था, अभी कुछ दिन पहले छुट्टी पे घर आया था। इसका एक एयरफोर्स कर्मी है विजय सोनी, उसके साथ इसका वो इसके ऊपर एक अनाहक दबाव बना रहा था कि मेरा किसी से एक झगड़ा, उसको लेकर तुम समझौता करा दो। तो इसने समझौता कराने से साफ मना कर दिया कि तुम्हारा उनका मैटर है, तुम आपस में दबा लो। तब उसने क्या किया, कल एक अनजान फोन, एक रिक्शे वाले के फोन से कॉल करके इसको थाने के पास बुलाया और वहाँ से इसको अपने साथ ले लिया और उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया। ये मेरा भाई था, छोड़ अभी अपनी मोटरसाइकिल लेके निकला था, ना तो मोटरसाइकिल मिली है और ना ही उसका मोबाइल मिला है। किस तरह से मारा गया, कोई जानकारी हो भाई क्या मारा गया? प्रशासन से किस तरह कार्रवाई चाह रहे हैं? प्रशासन से हम बस यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये थाना गंगाघाट में एक प्रतीक सिंह है जो 27 साल के हैं और ये एयरमैन का काम करते हैं एयरफोर्स में। ये छुट्टी पे अपने घर पे आए थे, तो इन्हीं का एक दोस्त है जिसका नाम विनय सोनी है। ये इनको कल अपने साथ कहीं लेके गया था, उसने मुलाकात किया था। दोनों आपस में परिचित है और आपस में रिश्तेदार भी है, और विनय सोनी भी एयरमैन का ही काम करता है, अपने साथ ले गया था। और उसके बाद ये वापस नहीं आए, सुबह इनकी बॉडी मिली है और ऐसा लग रहा है कि इनकी हत्या की गई है। इस संबंध में परिवारजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है और अभियुक्त की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है, टीमें गठित करके उसके गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सर, मौत का कारण निकल गया है अभी तक? ये अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं, इनका कोई पारिवारिक विवाद था जिसमें कुछ संबंधों की बात आ रही है, और इसमें जो अभियुक्त था वो मृतक के ऊपर दबाव बनाता था कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए दबाव बनाता था, और उसी बात को लेकर प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है कि ये घटना कारित की गई है। अभियुक्त को जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा, FIR पंजीकृत करके आगे कार्रवाई चलेगी। सर, क्या कुछ टीमें गठित करी गई हैं? हाँ, इसमें टीमें गंगाघाट थाने की कई टीमें लगी है। कल भी जब ये सूचना प्राप्त हुई थी तो कॉम्बिंग ऑपरेशन कराया गया था और कई जगहों पर तलाश की गई थी और लगातार रात में सर्च ऑपरेशन परिवारजनों के साथ मिलकर जो है किया गया, परंतु उस समय पर कोई जानकारी नहीं हो पाई थी। अब आगे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए जल्दी ही प्रयास किया जाएगा और जो एयरफोर्स की यूनिट है उनको भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें,
और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।